हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज प्लस वन। और बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट है कॉमर्स स्ट्रीम का, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आपको दो पार्ट्स में 10 चैप्टर थ्रू आउट द ईयर सीखने हैं, पढ़ने हैं। तो लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर को एनसीईआरटी में दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन वन इज रिलेटेड टू नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सेक्शन टू इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो लेट वी स्टार्ट सेक्शन वन। सेक्शन वन का जो टाइटल है वह है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स। टॉपिक नंबर वन, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट्स टाइप्स। नंबर टू, मीनिंग ऑफ बिजनेस। टॉपिक नंबर थ्री विल बी फीचर्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक नंबर फोर, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कंपैरिजन। टॉपिक नंबर फाइव विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। टॉपिक नंबर सिक्स विल बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक नंबर सेवन विल बी रोल ऑफ
प्रॉफिट इन बिजनेस। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर वन। टॉपिक नंबर वन इज वन एक्टिविटीज एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज का जो मीनिंग है वो है एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग। कि जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग द्वारा परफॉर्म की जाएंगी उन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक्स इज डूइंग बिजनेस, राम्स मदर कुकिंग फूड, विराट कोहली playing cricket, these are the human activities। कि जो भी activities human being perform करेगा उन्हें human activities बोला जाएगा। जो भी activities human being perform करेगा उन्हें human activities बोला जाएगा। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। लेट वी डिस्कस इट्स टाइप्स। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज and another is non-economic activities. Let we discuss economic activities. Economic activities are those human activities which are performed to earn money। कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज मानव के द्वारा परफॉर्म की जाने वो सारी गतिविधियाँ जिसका जो पर्पज है वो पैसा कमाना है, तो उस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। इकोनॉमिक मतलब मनी से है, धन से है। कि जब आप पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो उसे ह्यूमन एक्टिविटीज बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए डॉक्टर
ट्रीट पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, सेकेंड ए शॉपकीपर सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स, ए टीचर टीच स्टूडेंट्स इन स्कूल. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए फीस लेता है, तो उसकी जो एक्टिविटी होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी. सेकंड एग्जांपल में एक दुकानदार अपना सामान कस्टमर को बेचता है, तो ऑब्वियसली वो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा. एक टीचर स्कूल में स्टूडेंट्स को टीचिंग करवा रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज अर्निंग सैलरी. सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज. द पर्पज बिहाइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो? पैसा कमाना हो. क्या कमाना हो? पैसा कमाना हो, तो उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेट वी स्टार्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जस्ट इसका अपोजिट ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर नॉट टू अर्न मनी बट ओनली फॉर देयर मेंटल सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा. कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जिसका पर्पज पैसा कमाना नहीं होता, नॉट टू अर्न मनी, केवल इन एक्टिविटीज को मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है. फॉर एग्जांपल a doctor treat his son. Number two, a teacher teach his daughter at home. Number three, a mother cooking food for his children. यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो पैसा कमाने के लिए परफॉर्म की गई हों. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं नॉट टू अर्न मनी की हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यानी जिन एक्टिविटीज़ के पीछे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता उन एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है. सो जब भी आप कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो
और जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही हो, वेजेज मिल रही हो या प्रॉफिट मिल रहा हो, तो वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होगी। अर्न मनी कैन बी सैलरी, कैन बी फीस, इट कैन बी वेजेज, इट कैन बी रेंट, इट कैन बी प्रॉफिट एट्सेट्रा। तो पैसा कमाना जब भी आपका पर्पज हो तो उस प्रकार के एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और जब पैसा कमाना पर्पज नहीं होता तो उस एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेट वी स्टार्ट। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नंबर वन इज बिजनेस, नंबर टू इज प्रोफेशन, नंबर थ्री इज एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं व्यापार, इसे बोलते हैं पेशा, और इसे बोलते हैं नौकरी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसा तीन तरीके से कमाया जा सकता है, बिजनेस करके, प्रोफेशन करके या एम्प्लॉयमेंट करके। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ऑलमोस्ट इन्हीं से पैसा लोगों के पास आता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो लेट वी डिस्कस टॉपिक नंबर थ्री, विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। टॉपिक नंबर थ्री, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। लेट वी डिस्कस मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजी एंड नेस। बिजी मीन्स टू एंगेज, नेस मीन्स कंटिन्यूअसली, यानी बी एंगेज कंटिन्यूअसली। बिजनेस एक्टिविटीज में टू बी एंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल, परचेज एंड सेल, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जब कोई पर्सन इंगेज हो रहा हो, इंगेज रहता हो कंटिन्यूसली बेसिस में प्रोडक्शन एंड सेल में, परचेज एंड सेल में, एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज में, तो उस प्रकार की जो एक्टिविटी है उसे बिजनेस बोला जाएगा। तो वी कैन डिफाइन दैट ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय ए बिजनेसमैन
लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ऑल दोज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय बिजनेसमैन लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा ऑन कंटिन्यूस बेसिस आर कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटीज। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री मेन टॉपिक्स। कल इस डेफिनेशन को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यूसली इन वीडियोज़ को देखें और पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।